जैसे ही दोनों रैलियों का आगमन हो जाता है, सभा का शुभारंभ किया जाएगा। ठीक है, एससी समाज ना बढ़िए हुआ था जाएंगे तमने छोड़ हुए। मैं पवरलाल परमार, अरावली पर्वतमाला, सूरज चांद धरती हवा पानी अन्न बीज पानी नदी नाला झाड़बीड जीव जंतु पूर्वज बारसी मतारुण को साक्षी मानकर होगन खाऊं, आज बात कमाई नहीं खाऊंगा, किन्हीं गुलामी नहीं करूंगा, किन्हीं आले जो खावा नहीं खाऊंगा, खुद बड़ा भी नहीं खाऊंगा, किन्हीं भी मारे परिवार में पीवा नहीं दूंगा। सभी महिलाएं अपना घर में जी भी आदमी पिए हैं अन्न पीवा तक ही रोकेगा। हमें अना देश का मालिक अना देश का मूल बीज पासा राजा बनवा बल्ले अनी धरती ना मालिक बाबल्ले दारू सोड़ंगा दारू में भी अंग्रेजी दारू बिल्कुल मोड़े नहीं लगावंगा और अपने देसी बाप दादा वालों मऊड़ा वालों पूर्वज ने धार लगा पावले जरूर घेर में राखंगा और किन्हीं को वैसार थी जाए रात्रि बेकअप तक की वधार नहीं। ये बात को मो पालन नहीं करो आ धरती मने मांग दिए माफ नहीं करे। जय जोहार। आज सब आदमी भगत बनी गया कुंभलगढ़ सायरा राजसमंद और ये गोगुंदा के सभी भीम हल्दीघाटी आज की तारीख में भगत हो गए हैं। पीवाने मामला में खवान मामला में केम के हमें कर्जा पासा पाड़ा से वाथा जूझंगा है 80 किलो 90 किलो ना कर्जा फिर थावा जूझे और छूटे कोई मनाई नहीं है। केवल अंग्रेजी हरो नहीं पीवो है ये बात तो पालन करवो है और अड़ा मंदिर में अन्न लूटवा बल्ले ये जो आटो लुटवा बल्ले आज बात करे नहीं संगा में और किन्हीं के गुलाबी करवा नहीं संगा ये बात का प्रस्तुत करवो। एक बात और के बचाओ आरक्षण यहाँ के हम मालिक हैं, इस जमीन के मालिक हैं, तो हम लोगों को जो आरक्षण मिलता है इस जमीन में से जो अनाज पैदा होता है इस जमीन में से जो अन्न आपका रेत निकलती है आपका पत्थर निकलता है मार्बल निकलता है उससे टैक्स बनता है। उस टैक्स राज्य में इकट्ठा होता है जैसे केंद्र में इकट्ठा होता है उस टैक्स का जो पैसा होता है वो वापस हमको मिलता है वो किस रूप में मिलता है सरकारी नौकरियों के रूप में मिलता है। तो सरकारी नौकरियां तो मुश्किल से 5% उसमें भी हमारे को हमारे नेताओं ने 50% आरक्षण उनको दे दिया जो 50% नहीं है 30% मांग रही थी और हम यहां पर 70 से 80% है हमको केवल 45% दिया। तो अपना घे बने 5 भाई है या 5 मनक है ने 5 रोटा है कटला कटला वाला अपने एक एक
अपना समाज में पंगत लागे, विवा में लागे, काट्टा में लागे, अणा में खमा ले, तो आ तो नानो सोरो एम करी खमा ले के बराबर आ ले, बोला बताओ बराबर देते, आ गड़ो आदमी है एम करी खमा ले बराबर आ ले। हर पत्तल पर हर बाज माते बराबर खमा मिले, ये हमारे माप दादा नो रिवाज है। जगह बांटने मामला में, जमीन बांटने के मामले में हमारे भीलों में कहावत है, मोगनी फाड़ बराबर जगह बांटनी, मोगनी फाड़ यानी बराबर। तो मैं कहना चाहता हूं कि इस इलाके के अंदर 70-80% भील है, आदिवासी है, ग्रासिया है, तो इन लोगों को इतनी संख्या में तो मिलना ही चाहिए था, लेकिन हमारे नेता लोग हैं वो लोग किसकी किसके नियंत्रण में है, उन लोगों के नियंत्रण में। इसलिए हम लोगों ने नियम बनाया, क्या नियम बनाया है कि हमारा नेता कौन होगा, हम किसको वोट दे, किस वो ये जाजम तैयार करेगी, ये जाजम तय करेगी, ये हमने नियम बनाया। तो अब की बार तुम्हारे कुंभलगढ़ का, तुम्हारे लोगों के द्वारा जिस आदमी का सिलेक्शन होगा उसी आदमी को तुम लोग आगे वोट देकर के आगे भेजना, ये बात हम कहना चाहते हैं। यदि ऐसा हम लोग करते हैं तो हमारा जो है वो सुलट जाएगा, ये बात हम कहना चाहते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात, हमारे इलाके के अंदर ये जितनी भी खनिज संपदा निकलती है, चाहे वो पत्थर निकलता हो, चाहे कुछ भी निकलता हो, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था जिसको उसमें कहा गया है कि 20-25% लाभ का हिस्सा आदिवासियों को मिलना चाहिए, आज तक नहीं दिया। इसकी आवाज भी विधानसभा में उठनी चाहिए, उसकी आवाज भी लोकसभा में उठनी चाहिए। यह वेदांता का, यह वेदांता का हिंदुस्तान जिंक, वो आदिवासी इलाके में का माइनिंग का आपका सारा लाभ वो ले रहे हैं, फायदा वो ले रहे हैं, आदिवासियों को कुछ नहीं मिला। इसकी भी बात आगे तभी जाएगी जब हम लोग हमारे समाज के द्वारा सिलेक्टेड आदमी जिता करके आगे भेजेंगे, ये काम। और एक बात हमारे पूर्वजों के जमाने से चली आ रही है, हमने किसी को परेशान नहीं किया, किसी को पीटा नहीं, किसी को डांटा नहीं, किसी को उंगली नहीं उठाई। आज के बाद जितने लोग मेरे को सुन रहे हैं, इस इलाके के में यदि भीलों का राज लाना है, भीलों का ताकत बड़ी करनी है, आदिवासियों को राजा बनाना है, तो आज के बाद किसी को भी गुस्से में आकर के थप्पड़ मारना नहीं है, गुस्से को मारना सीखना होगा। आपकी जमीन किसी ने छीन ली है, आपका खेत किसी ने छीन लिया है, वो वापस ले सकते हैं, लेकिन हमें संगठित होना है, हमें एकता में सूत्रम बनना है। हम लोग इस धरती पर कितने राजा हैं, ये राजा भी कल चले जाएंगे, ये जो बड़े बड़े महल हैं, ये जो बड़े बड़े खेत हैं, ये जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, वो भी कल हमारे होंगे, लेकिन हमें पढ़ाई अच्छी करनी है, हमें इसी तरीके से एकता में रहना है, किसी को थप्पड़ मारने की जरूरत नहीं है। और हमारे उधर संत गोविंद गुरु महाराज ने कहा था, काट जा वाड़ा मड़े मान जब मेला मड़े, ये आगलवाणी सालती अब। और फिर एक कहावत है, सोता जुगनी सेली वारी भीलनो, ये ही मामला आज की तारीख में चल रहा है। इसलिए आप लोगों ने बहुत सारी बातें, चूंकि हम बहुत लेट हो गए और इतनी बातें आपके बीच में मैंने रखी, और हमारे भाई हैं दूसरे वो बात रखेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ी बात याद रखना कि गुलामी करने अर्थात और आकवा बिल्कुल निजाबो है, ये बात गुलामी करवा अर्थात किने सपसारवा निजाबो है, किने वायदू वाड़वा निजाबो है, किने गैर बर्तन मारो माजवाने जावो है, किने हाजू वाड़वाने जावो है, ये काम बिल्कुल नहीं करना है, ये बात याद रखिए। और वो मंदिर वाला, ये भी काम हम लोगों को नहीं करना है, ये बात मैं कहना चाहता हूं।
अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। जय जोहार का नारा है, दो हाथ ऊंचा करके आदिवासी एकता कर जो मारा भय, असी एकता मिलवो मारा भय। तमें बोलो हाथे हाथे आ कांती बनाना लो वैसे वाले बेचारस लाइन हो वधार नहीं पूरा सर। दिनेश आदिवासी एकता कर जो मारा भय, आदिवासी एवो मारा भय, आदिवासी एकता कर जो मारा भय, आदिवासी एकता कर, आदिवासी एकता कर जो मारा भय, सी एकता मिलवो मारा भय, मारा भाई। गामे गामे वात कर जो मारा भाई, पाले पाले वात मुकलो मारा भाई, गामे गामे वात कर जो मारा भाई, पाले पाले वात कर जो मारा भाई, एके भी जाने लारे लावो मारा भाई, आदमी बैराने लारे लियो मारा रे, एके भी जाने लारे लावो मारा भाई, आदमी बैराने को मारा भाई, भीलानो राज पासो लवड़ो मारा भाई, मारा भाई, आदिवासी एकता कर दो मारा भाई, आदिवासी एकता मिलवो मारा भाई, आदिवासी एकता कर दो मारा भाई, आदिवासी एकता मिलवो मारा भाई। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा, हाथ खड़ा करके जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है। धन्यवाद। जय भील प्रदेश।